लेकिन आइए मैं हास्य व्यंग का थोड़ा सा माहौल बनाना चाहता हूँ। हंसी ठहाकों का एक ऐसा कवि जिन्होंने हमारे मूछों के बीच में शून्य निकाला था, अब मैं इनका कचूमर भी निकाल सकता हूँ लेकिन नहीं निकालूंगा क्योंकि तुलसीदास जी की ये जन्मभूमि है गुना, और 500 साल पहले तुलसीदास जी ने कहा था कि तुलसी गुना न मानिए जो गंवार कही जाए, जैसे घर का नर रहा भला बुरा बच जाए। इसलिए परीक्षित तिवारी को मैं कुछ नहीं कहूंगा, अद्भुत कवि है वो, जब कवि सम्मेलन का प्रधानपति है, अजब प्रधानपति है, गनीमत है कि प्रधान लेवल नहीं है। प्रधानपति के लिए कैलाश गौतम जी बड़े कवि हुए इलाहाबाद के, उन्होंने एक बहुत बढ़िया दोहा लिखा था। कैलाश गौतम जी ने लिखा था कि महिला राम प्रधान के, अगर आप जब बात पूछे तो परीक्षित के लिए तालियां बजाना। कैलाश गौतम जी ने दोहा कहा था कि महिला राम प्रधान के, पति का देखो हाल, बीवी सरकारी हुई मिलना हुआ मुहाल। तो ये ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन परीक्षित अद्भुत कवि है। हास्य व्यंग की अवधि कविताओं की बात हो या खड़ी बोली कविताओं की बात हो, परीक्षित तिवारी ने गोंडा की उस विरासत को लेकर के पूरे देश की यात्राएं की हैं। मैं चाहता हूँ अपने जनपद के इस नाटले हास्य हस्ताक्षर का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन हो और उनकी कविताओं से हम समाएंगे। थोड़ा छोट हो जाए ना हमारे माला वाला पहले हम ले आते हैं, ये विशाल कवि है, पता नहीं पहनावे कितना पहनावे तो अपने आप तो पहन लेंगे। हमारे आज के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह झंझट जी को मैं अंधाधुंध प्रणाम करते हुए आप सभी साथी कवियों को भी चुटकी चुटकी भर प्रणाम कर लेता हूँ। बढ़िया। और संचालक महोदय को प्रणाम अपना उधार रखता हूँ क्योंकि इनके कर्म बताएंगे, हो सकता है संचालक कैसा करेंगे, इनका लिफाफा भी मैंने अपनी जेब में रख लिया है। जैसे इनके कर्म होंगे उसी प्रकार से लिफाफा इनको मिलेगा। किंतु आप सभी प्रबुद्ध महनीय देव तुल्य श्रोतागणों को मैं अपनी 21 पीढ़ियों के साथ लगातार बारंबार मूसलाधार धुआंधार एकदम चैला फाल प्रणाम करता हूं। हमें लग रहा है कि यहाँ हमारे काम के काफी लोग रोज हैं। अच्छा आपको मैं बता दूं, ये लोग नहीं बताते हैं शर्माते हैं, हमारे क्षेत्र में शादी का बड़ा संघर्ष चलता है, बेरोजगारी की समस्या इतनी प्रबल है कि कोई लड़की वाला बाप आता ही नहीं। हाँ तो क्या हुआ कि किसी तरह जब हमारी शादी नहीं हो रही थी तो हमारे पिताजी को कहा था ना गाँव में कि दोनों दूल्हा बार के कहा गई भैया, तो दोनों दूल्हा बार के तैयार रहे लेकिन फिर भी कोई नहीं आओगे। एक जगह एक कहीं कोई दलाल के माध्यम से सेट करके लड़की देखने का प्रोग्राम बन गया। अब हम गए तो वहां लड़की के साथ में और दो चार लड़कियां थी, तो हम कहा पप्पा ही तो कहा या तो नहीं मिल रही थी, कहा तो कई लड़कियां हैं 3-4। बोले चुप आराम झा जी, इसमें से एक है। तो हमने कहा ठीक है लेकिन एक काम है, कहीं देखो तुम चुप रहो, ये लड़की हमको बहुत पसंद है। तो हमने कहा अरे बाप, जो लड़की तुमको पसंद है वो हमको कैसे पसंद हो सकती है, और हम वो सभी नहीं करेंगे जो बाप और तू दोनों को पसंद हो। हाँ पता लगा कि हमें बंबई पटाई ऐसा काम नहीं है। शादी तो किसी तरह मान लो हो गई। अच्छा वो वाक्या बताते कि शादी हो रही थी, बीच में हमारे घर सही शादी कोई नहीं है लेकिन कुछ पटी वटी जारी जोड़ के कुछ सालियां वहां तैयार हुई, 11,000 रुपया का बिल बनाया जूता चुराने में। अब हम कहा कि बताओ क्या करें, तो बगल में हमारी शादी हो ही चुकी थी, हमने कहा अच्छी सुनती हो, बोले कहा हमने कहा 11,000 रुपया हम रखे तो हैं लेकिन हमने तुमने कहा हम कहा रखे तो हैं लेकिन ये 11,000 रुपया शाम को जब हम आपको वो दिखाई में देने वाले हैं और अगर इनको दे दिया तो आपको क्या देंगे। हमने कहा तो ठीक है, ऐसा है चुपचाप रखे रहो और इसको शाम को हम तुमसे वसूलेंगे, तो बिना जूता के जाओ कार में चुपचाप बैठ जाओ, मैं नाव के हाथ में जूता भिजवाती हूँ। हाँ और अगर इसने आना पहले किया, अब भैया हम चुपचाप आए बैठ गए घर पे, जब यहाँ प्रोग्राम होने वाला था भाई पहली रात वाला मामला था, उसको हम कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे
लेकिन हम गए जैसे ही घूमघट को उठाने के वाले ही थे तब तक बोली खबरदार पहले 11,000। अब बताइए क्या करें। अब हम डर के मारे आए भैया दरवाजे बाहर कुत्ते की तरह बैठ गए। हमने कहा हो सकता है कि दया करे तो रात में नहीं खोला दरवाजा वो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खोली। सुबह जब 4 बज गया थोड़ा दिखने लगा उजाला तो हमने कहा क्या बेइज्जती हो जाएगी, लोग सुनेंगे कि कुत्ते का काम कर रहा है। तो हम उठ के अपना नादासानी करने लगे। दूसरी रात फिर वही प्रक्रिया। जैसे ही हम घर में अंदर गए बोले 11,000। ऐसे 3 दिन चला। चौथे दिन वो अपने वापस उसका भाई आ गया और चली गई। अब बताइए हमारा क्या हाल हुआ होगा। गई तो 3 महीने तक नहीं आई। अब हमारी माँ ने कहा जाओ भैया बहू का ले आओ। तो हम तैयार हुआ भैया सेंट्रल मार के गए तो गांव के बाहर कुछ लड़कियां जो साली वाली लगती थी उन्होंने कहा कि अच्छा जीजा जी कहाँ जा रहे हो। हमने कहा जा रहे हैं तुम्हारी बहन को जुड़ाने जा रहे हैं भैया। बोले अरे आप नहीं जा रहे हैं। हमने कहा बताओ। बोले वो तो विधवा हो गई। विधवा हो गई दीदी हमारी। अब हम बेवकूफ। हमने कहा है बताओ हाल। हम यार 3 महीने कोई फोन वोन नहीं किया, विधवा भी हो गए। अब हम लौट के घर आए। अब रजाई ओढ़ के सो गए और हमारी अम्मा बोली कि भाई मुझे बताओ बहू को लाने भेज के क्या हो। हमने कहा मत पूछो अम्मा वो तो विधवा हो गई। बोले अरे हराम दादे तुम्हारे जिंदा रहते हो या वो विधवा कैसे हो गई। तो हमने कहा तो मेरे रहते हुए आप कैसे विधवा हो गई थी। बोले अरे हरामी को तो तेरा बाप मर गया था तो मैं विधवा हुई। तो मैंने कहा हो सकता है उसका भी बाप मर गया हो। मजा लेते रहिए। मैं दो पंक्तियों से शुरुआत करूंगा नहीं आप लोग समझेंगे तो देखता होता नहीं खाली मोरा ही बात करता। तो मैं तुलसी राशि के क्षेत्र से हूं तो दोहे से शुरुआत करता हूं। बहुत ही भक्ति में दोहा है। पिता इष्ट भ्राता भुजा और मैया चारों धाम और छेना बहुत धन्यवाद। ऐसा है जो लोग पीछे बैठे हो सके तो थोड़ा आगे आ जाइए फिर। हाँ तो कनेक्टर कहने में सही आएगा। और मैं 4 पंक्तियां बम्बन जी के लिए पढ़ने वाला था वो तो चले गए। अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हमारे बहुत ही प्रिय मित्र राजे दुर्गा जी जिनका नाम आपने सुना होगा तमाम अखबारों में। इतनी इतनी अच्छी कविताएं आप लिखते हैं और लेख लिखते हैं कहानियां लिखते हैं तो सुनिएगा। कि 100 बरस आपकी जिंदगानी रहे और तब तक जिंदगी मेहरबानी रहे। स्वर्ग का राज कदमों में हो आपके और अपसराए सभी नौकरानी रहना। अपसराए सभी नौकरा मुझे मैं इसमें 2 पंक्तियां थोड़ा घटा बढ़ा के जोड़ देता हूँ। कैसे दुल्हनी प्रीत मिलती रहे आपको ध्यान दीजिएगा मानिएगा। दुल्हनी प्रीत मिलती रहे आपको और गुरमीत जैसी जवानी रहे। मजा आ रहा है बच्चों भाइयों माताओं पिताओं पढ़े तो बैठ जाए। बताइए हम टाइम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। आप लोग आगे से पीछे तक जब आगे से चलिए कि हाँ हाथ उठाए कि पढ़ो तो पढ़ी नहीं बैठे। अरे वाले माताएं नहीं हाथ उठाई कोई बात नहीं। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ आदर भी करता हूँ और रेस्पेक्ट तो मैं बचपन से करता हूँ किंतु मैं महिलाओं का विश्वास नहीं करता। भाई बुरा मत मानिएगा क्या करिए। हम जो है छोटे होते हैं तो हमारी माँ हमारी मौसी हमारी काकी हमारी दादी क्या कहती भैया हमारा बड़ा हो नहीं है इनके ब्याह हो दुल्हन नहीं आए वो इनके नवाई धोवाई तेल लगाई कपड़ा धोए बर्तन मांजे फुकवा लगाए। भाइयों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सारे काम आज मुझे ही करने पड़ते हैं। तब से मेरा महिलाओं के ऊपर से विश्वास उठ गया है। मैंने भाई का
नाराज होने की आप थोड़ा कम कम। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये पंक्तियाँ सिर्फ आपके लिए है कि मुख पे मुस्कान अपने सजा लीजिए। हाँ ताली बजाओ चाहे ना बजाओ हम देखेंगे दांत से आए बच्चा हो कि मुख पे मुस्कान अपने सजा लीजिए और प्रेम के हास का फिर मजा लीजिए। भाइयों बात मत करो कि प्रेम के हास का फिर मजा लीजिए। तो चाहते हो हंसाने की बात हो गई मैं जान पाती हूँ क्या है आप मेरे ये बताना चाहता हूँ कि कवि व श्रोता तो एक रूप की जान है और श्रोता गण कार्यक्रम की स्वयं शान है और आपके बिन कोई कुछ भी नहीं आप श्रोता नहीं मेरे भगवान है आप श्रोता नहीं मेरे भगवान है। मंच बहुत ऊंचा पहुंच गया है तो हम का थोड़ा निचाई पर ले आए आप ले लूंगे नहीं मैं नीच कभी नहीं हूँ ऐसा मत समझिए। तो मैं बता दूं कि जो बहुत दिन तक शादी पहले मेरी नहीं हो रही थी तो हम समझे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी वाली जो भगवान ने लिखा होगा कहीं भ्रूण हत्या में मारी गई हो या कहीं किसी साधु की सेवादार हो गई हो। तो एक फिर फकीर हमारे घर आए तो हमने कहा भाई क्या मामला है। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है उन्होंने देखा तो बताया क्या बताया उन्होंने बताया कि मामला यह है कि अपनी बेगम बना तीसरी ले गया अपनी बेगम बना तीसरी ले गया तो हाय मुझसे मेरी जिंदगी ले गया और जिनसे जिनसे ताली बनाने मदन से गई अरे मेरी वाली वही मौलवी ले गया मेरी वाली वही। हाँ हम ये कुछ लोग करते हैं ये गलत बात है कि नहीं है। हाँ ये कैमरा वाले से बहुत मजा ले रहे हैं क्या है कि जब शादी तो नहीं हो रही थी तो हम लोग तो जो हमारे यहाँ तक ही नहीं होती है तो हम लोग क्या सोचते हैं ऐसा राय से नीचे तो बातें नहीं करते हैं नहीं ना कर लेकिन हाँ पहले हम क्या सोचते रहते थे कि मान अपना कभी हम घटाते नहीं छोरियों के लिए चटपटाते नहीं छोरियों के लिए चटपटाते नहीं नौकरों से अगर सुंदरी ना सधे अरे नौकरों से अगर लड़कियां ना पटे तो स्वयं हम किसी को पटाते नहीं। ये रुआ है हमारा लेकिन जब बहुत दिन तक पर्दे हुआ कोई दुआई नहीं आओ। हाँ जब बहुत दिन तक शादी नहीं हुई तो हमारे मन से क्या पंक्ति निकली कि प्रेम को कोई दुल्हन सुहानी मिले। ध्यान दीजिएगा आप लोग मोबाइल में मत कर सो जाओ बहुत काम की पंक्तियां हैं कि प्रेम को कोई दुल्हन सुहानी मिले और ढल रही चाहे चढ़ती जवानी मिले वो कुंवरी कल मोहि मूक होया पूरा मजा हम ही ले लेंगे परीक्षा को कुछ मिलेगा नहीं संदीप भाई तो साल आ गए खेतों की रखवाली करने क्योंकि हमारा उसी ताजा ताजा शादी हुआ। हाँ बीबी घर पे बैठ गई और हम रात भर साड़ों की रखवाली करते थे
उनको समय नहीं मिल पाते थे। तो उन्होंने जो कहा उसको मैंने चार पंक्तियों में ढाला। उन्होंने क्या कहा कि नर्क सी हो गई जिंदगानी मेरी। बीवी ने कहा कि नर्क सी हो गई जिंदगानी मेरी, और कब तक यूं चलेगी कहानी मेरी। और साल फसलों उन्होंने मुझसे कहा कि साल फसलों पर तेरी चले ना चले, अरे प्रेम तुम चल रहे हो जवानी मेरी, प्रेम तुम चल रहे हो जवानी मेरी। और आखिर में क्योंकि कवि का काम है कल्पना का, तो मैं कल्पना करता रहता हूँ। मैंने कल्पना किया तो दास बता रहे ये हुआ कि पुरुष भी चाहे तो पुरुष से शादी करे और महिला चाहे तो महिला से भी कर सकती है। तो मेरे मन में लाला था हमारे देश के दो बहुत बड़े नेता, हमने सोचा हे प्रभु अगर ये दोनों आपस में शादी कर लें, योगी जी और मोदी जी, अब मान लो भाई मैं प्रार्थना करता था कि पूरा हम विश्वगुरु हो जाए, तो हम विश्वगुरु कैसे बने। हमने सोचा कि अगर पुरुष पुरुष शादी कर सकता है और मोदी योगी जी आपस में शादी कर लें और कोई मान लो मोगी पैदा हो जाए और वो और हाँ उसके अंदर जगरा हो, तो मैंने कह दिया कि चीन औपाक डर करके मर जाएगा और हिंद का जग में परचम फहर जाएगा। तो मांग योगी की मोदी अगर भर सके, अरे ब्याह योगी से मोदी अगर कर सके, तो राम का राज झट पार कर आएगा। बताओ तो जैसे कथा बनते पंडित की शुरू छोड़ो तब छोड़ेंगे, ये पैंती पहनो तो इसलिए बताना पड़ता है। और आखिर में मैं अपनी पत्नी के ऊपर चार पंक्तियां पढ़कर, क्योंकि वो हमारा वीडियो देखेगी और अपने हाँ कहेंगे कि हमारे लिए क्या पढ़ा, तो मैं पढ़ता हूँ चार पंक्तियां आखिर के लिए। कि पहले रहती थी तू भी दीवानी मेरी, और बदलती जा रही क्यों कहानी मेरी, और ढल रहा रोज मैं कांग्रेस की तरह, भाजपा जैसी चढ़ती जवानी मेरी।